तो देश में युवा और बेरोजगारों का एक उम्मीद रहती है कि अगर इस बड़े मंच पे, जो देश ही नहीं दुनिया पे जिसका जिक्र किया जाता है, अगर यहां पर ये आवाज उठाई जाएगी तो अवश्य ही इस पे जो मनुवादी सरकारें हैं वो हलचल करेगी। तो साथियों, ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है और उसमें विशेष करके सुशिक्षित बेरोजगार, अगर अनपढ़ व्यक्ति बेरोजगार है तो उसको ज्यादा सीरियसली हमारे लोग नहीं लेते हैं, लेकिन जब ग्रेजुएट होके, पोस्ट ग्रेजुएट होके जब व्यक्ति घर पे बैठता है तो उसको कलंक की तौर पे देखा जाता है। साथियों, विभिन्न आंदोलन के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से जब सुशिक्षित युवाओं के लिए आवाज उठाई जाती है तो सरकार फौरी तौर पर भर्ती निकालती है और उसमें फिर जो रिजर्वेशन का प्रावधान है, जो जनसंख्या के अनुपात में मिलना चाहिए, उसको लेकर देश भर के अलग अलग जगहों पे, जैसे शेड्यूल ट्राइब की जगह जहां पर हमारे, अगर राजस्थान की बात करें, 73% से ऊपर आदिवासी लोग हैं, जहां पर शेड्यूल एरिया घोषित है लेकिन वहां पर रिजर्वेशन 45% है। झारखंड की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, ऐसे सभी राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, उसके बावजूद भी भर्ती के लिए फॉर्म मंगवाए जाते हैं। अभी साथियों, कल की एक घटना है, कल की एक सूचना है, आरपीएससी के द्वारा राजस्थान में एक अभी कंपटीशन फाइट करा गया था जिसमें 18 लाख युवाओं ने वो फॉर्म फिलअप किया था। साथियों, जब फॉर्म भरा जाता है, 4-6 महीने पहले स्टूडेंट घर से बेरोजगारी के बावजूद भी जमीन गहना गिरवी रखकर तैयारी करता है और 6 महीना तैयारी करने के बाद में जब भर्ती करवाई जाती है, उस भर्ती के बाद में जब पेपर देके शाम को जो सुशिक्षित युवा होता है वो घर पे पहुंचता है और सूचना मिलती है कि वो पेपर रद्द किया गया है। साथियों, ऐसा देश के हर राज्य में हो रहा है, भर्ती हो रही है, पेपर हो रहे हैं और पेपर रद्द हो रहे हैं और उसके बदले में सरकार का एक्शन रहता है, मिनिस्टर को चेंज किया जाता है, जिस डिपार्टमेंट का पेपर होता है उसके मिनिस्टर को चेंज कर दिया जाता है और मामला दब जाता है। तो साथियों, ये जो सुशिक्षित युवाओं को बेरोजगार बनाने के लिए देश भर में माहौल है, उसके लिए घटनाएं सुनने को मिल रही होगी, पीएचडी करने वाला व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, नीट की तैयारी करने वाला आत्महत्या कर रहा है, यानी देश में जितनी भी भर्तियां हो रही है उसमें जितने भी युवा तैयारी कर रहे हैं, सुशिक्षित साथी तैयारी कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट नहीं होने की वजह से और भर्तियों में गड़बड़ी की वजह से आत्महत्या पर अपनी जान गंवा रहे हैं। तो साथियों, यहां पर यह सब्जेक्ट रखा गया है, अवश्य देश में इसका असर पड़ेगा और ये जो आंदोलन है उसको बढ़ाने के लिए देश भर के आप सभी साथी, युवा साथी मिलकर साथ सहयोग करोगे और इस आंदोलन का आगे बढ़ाओगे। और आपने मेरे को सुना, धन्यवाद। जोहार, जय बुनियासी।